वेलकम गाइस, आज हम इनको सॉर्ट करना सीखेंगे और फिल्टर करना सीखेंगे। सॉर्ट तो अब हमारे पास जैसे ये लिस्ट है, ये नाम है, ये एज आ गया, मनी स्पेंट, डेट ऑफ सेल, टाइम ऑफ सेल, जेंडर। तो आप ये देख सकते हैं कि मनी स्पेंट में फॉर्मेटिंग लगी हुई है, करेंसी फॉर्मेट लगाया हुआ है मैंने, डेट ऑफ सेल में वो खुद ही फॉर्मेट लगा देता है, टाइम ऑफ सेल को भी वो खुद ही फॉर्मेट लगा देता है, और ये मेल मेल भी मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है। अगर हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, इसे सेट करेंगे, यहाँ पे ये ए टू जेड ऑर्डर लिखा आ रहा है, सॉट ए टू जी या जेड टू है, तो ज़्यादातर ए टू जी यूज़ हो रहा है, तो हम ए टू जी दबा देंगे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मोस्टली हम ज़्यादातर हर वक्त ही एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, अगर हम कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन करके करें तो आप गौर से देखिएगा कि खाली ये चेंज हुए हैं, ये आगे से चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करके पीछे करता हूँ, लेकिन कंट्रोल जेड से कुछ भी ये चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसको जाके एक्सपेंड करें, एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन, तो ये देखें सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड से आपको दिखाता हूँ, अगर कंट्रोल जेड से पीछे जाऊँ तो ये सारा चेंज है, और कंट्रोल वाई से रीडू करूँ तो सब चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि अहमद के साथ और सारा उसके बिल्कुल सेम, अलीना के सामने बिल्कुल सेम, यानी कि पहला जो है वो सारा चेंज हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, ठीक है। अब इसको हम दूसरे में भी कर सकते हैं, जेड टू है, आप देखें और इसको वो सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक इसका लग गया, सॉर्ट हो गया। अब अगर हम एज के लिहाज से भी देखना चाहें कि सबसे छोटा कौन सा है, तो हम उस पर भी लगा सकते हैं, वो ए टू जी भी लगेगा, वो खुद ही वो देख लेगा कि ये नंबर है या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो खुद ही जाकर स्मॉलेस्ट ला देते हैं, स्मॉलेस्ट कर देते हैं, एक्सपेंड सिलेक्शन करते हैं, तो देगा मरियम की सबसे कम उम्र है, फिर अलीना, फिर मोना, फिर आयशा, फिर बिलाल, फिर अहमद, फिर रशीद, ये उम्र के लिहाज से। फिर मनी स्पेंड के भी लगा सकते हैं, स्मॉल टू लार्जेस्ट, ठीक है। सबसे कम किसने किया, सबसे ज़्यादा किसने किया, ठीक है। तो सबसे कम मोना ने किया, सबसे ज़्यादा आयशा ने स्पेंड किया, ठीक है। डेट ऑफ सेल के लिहाज से भी लगा सकते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक है। यानी कि सबसे सबसे पहले इसने जेल की, सबसे बाद में इसने जेल की, ठीक है। इस तमाम बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, सॉर्टिंग होगी। अच्छा, अब हम उसको करना सीखते हैं, फिल्टर करना सीखते हैं, ठीक है। अब हम सारे को सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर दबा देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ये एरोज आ गए, ठीक है। अब वो एरो जो है वो उनके ऊपर आ रहे हैं, तो आप बेशक इनकी वो चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं चेंज कर देता हूँ उनकी फॉर्मेटिंग, इधर जाके फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट, ओके, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेट प्रिंटर ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम एज पे फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन कौन सी एज हमें नज़र आए, उनके खाली 20 की नज़र आए तो खाली 20 की नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको समझ आ गई होगी, सेलेक्ट ऑल कर दें तो वो सारा आ जाएगा, ठीक है। मनी स्पेंड भी कर सकते हैं कि कौन सी हमें नज़र आए कितनी, और मनी स्पेंड तो खैर खाली यहाँ पे एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक और भी देखना हो कि नंबर फिल्टर लगाने के इसने कितने ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि $100 से $200 में दरमियान कितने किया, तो हम वो भी लगा सकते हैं। मैं वो लगाता हूँ, ये है, ठीक है, ग्रेटर देन 100, ठीक है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 एंड इज लेस देन 201, ठीक है, ओके करें तो ये देखें 100, 200, 150, 180 का ये भी आ गया। डेट ऑफ सेल पर भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं, यहाँ पे दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ये सारा कुछ आ जाएगा भी, ठीक है। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बिफोर करते हैं तो यहाँ पे आ गया, इस बिफोर, यानी कि अब यहाँ पे डेट भी सेट कर सकते हैं। अभी 4 जुलाई है, तो ये तो काफ़ी पुरानी है, तो मैं इस पर 10 फरवरी कर देता हूँ, ठीक है। तो 10 फरवरी से पहले जितने भी उन्होंने चेक की तो उसमें आ गया, ठीक है। आप इस पर भी आ सकते हैं। अच्छा, इनको मैं सारा फिल्टर हटा दूँ ज़रा, सेलेक्ट ऑल। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, अब इस पर वो फिल्टर हट नहीं रहा, तो फिल्टर नहीं हटा तो हम क्या करेंगे,
इसको सेट करेंगे और क्लियर कर देंगे। ठीक है, सारा फिल्टर हट गया। अब जेंडर पे भी हम फिल्टर डाल सकते हैं कि खाली फीमेल या मेल सेलेक्ट हो जाए, तो मेल सेलेक्ट हो गया, फीमेल सेलेक्ट हो जाए और फीमेल डाल देंगे। ठीक है सारी, तो ये अच्छा आज हमारा सॉर्टिंग और हमने फिल्टरिंग करनी सीखी। थैंक यू।